सभी को मंगल मैत्री। आज हम गद खंड के अंतर्गत धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी देव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में धर्मवीर भारती ने यह बताया है कि जिस समय अनावृष्टि के कारण लोग पशु पक्षी प्यासे मर रहे थे, उस समय का वर्णन किया है। यह धर्मवीर भारती द्वारा एक संस्मरण है जो उन्होंने अपने बचपन के दिनों की याद को पढ़ते हुए लिखा है। धर्मवीर भारती ने कहा है कि समाज में लोक विश्वास का अपना तर्क है, अपनी शक्ति है, और विज्ञान की अपना तर्क है। लोक आस्था और विज्ञान के तर्क का लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार इस समाज में पढ़े लिखे लोग लोक आस्था को अंधविश्वास मानते हैं और इस समाज में किस प्रकार लोग लोक आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा और शक्ति रखते हैं। यही भाव रखते हुए धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे नामक पाठ में एक बचपन के समय में उनके जो उनको एक संस्मरण याद आया उसको इस पाठ में वर्णन किया है। लेखक उस समय छोटा बालक था। अनावृष्टि के कारण खेत खलिहान पशु पक्षी यहाँ तक कि आदमी सभी बेहाल थे। चारों ओर सूखा पड़ गया था, खेत सूखने लगे थे, धरती फटने लगी थी और सभी लोग परेशान थे। लोग हवन यज्ञ करके थक चुके थे। तभी एक छोटे बच्चों की टोली, नंग धड़ंग टोली बाहर निकलती थी जिसे लोग वानर सेना या मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे, परंतु यह टोली अपने आप को इंद्र सेना के नाम से पुकारती थी। यह घर घर जाती और उनसे पानी मांगती और गंगा मैया की जय बोलती। और इस वानर सेना का इस इंद्र सेना का एक खेल गीत था, काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेघा पानी दे। ऐसा गीत गाते हुए यह उस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाती और लोगों से पानी मांगती। लोग उनके ऊपर पानी डालते और ये नंग धड़ंग बच्चों की टोली एक प्रकार से कीचड़ करती हुई फिर अगले दरवाजे बढ़ जाती और फिर वही लोग उनके ऊपर पानी डालते। ऐसे में लेखक इस पानी की बर्बादी इसे पानी की बर्बादी मानता और कहता कि यह बेकार है, यह पानी की बर्बादी है, वैसे ही पानी कम है। इस बात को लेकर जो लेखक की जीजी है, जो लेखक को अपने बच्चों से अधिक प्यार करती है, वह उसको समझाती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो चढ़ावा है। उस लेखक को कई उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार एक किसान अपनी अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई अपने खेत में करता है और जिससे 30-40 मन की पैदावार लेता है, दान सर्वोत्तम है, यह पानी की बर्बादी नहीं, यह तो दान है। ऋषि मुनियों ने भी दान को सर्वोत्तम बताया है और कहा है कि यह तो चढ़ावा है, जितना हम इसको देंगे उतना फिर हमें वापस मिलेगा। यदि हम भगवान को अर्ध नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान फिर हमें उसका फल कैसे देगा। परंतु लेखक जीजी को बहुत सम्मान देता है, बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उसकी बात को ऊपरी मन से मान लेता है परंतु अंतर मन से नहीं मानता। लेखक का मानना है कि यह अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। यही हमारी मानसिकता अंधविश्वास में दबी हुई है। हम इसको इससे बाहर निकले, वर्षा का होना विज्ञान पर निर्भर करता है न कि लोक आस्था पर। परंतु इस समाज में दोनों प्रकार का अपना अपना अस्तित्व है, विज्ञान का अपना तर्क है और लोक आस्था में अपनी सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है। परंतु इन दोनों में हम किसको सर्वोत्तम माने यह कहा नहीं जा सकता। अतः लेखक ने न चाहते हुए भी जीजी के कहने पर उन
मेंढक मंडली पर, वानर सेना पर, बंदर सेना पर पानी डाला और इसे उसने पानी की बर्बादी ही कहा और कहा कि एक तरफ तो हम अनावृष्टि के कारण पानी की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस बंदर सेना के ऊपर, वानर सेना के ऊपर पानी डाल रहे हैं। धन्यवाद।